हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों से जुड़े कुछ फैक्ट बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। मधुमक्खियों का संसार बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। मधुमक्खियों से हमें बेहद पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है जिसे हम शहद कहते हैं। दूध के बाद शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आहार के सभी तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं, यह एक बूंद शहद के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ती हैं। आज हम आपको मधुमक्खियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जो पहले आपने शायद ही सुनी होंगी। मधुमक्खियों का संसार बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। मधुमक्खियों से हमें बेहद पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है जिसे हम शहद कहते हैं। दूध के बाद शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आहार के सभी तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं, यह एक बूंद शहद के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ती हैं। आज हम आपको मधुमक्खियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जो पहले आपने शायद ही सुनी होंगी। क्या आपको पता है मधुमक्खी के डंक में HIV के वायरस को रोकने की क्षमता होती है। मधुमक्खियां अपना पंख एक सेकंड में 200 बार फड़फड़ाती हैं। इतना ही नहीं, मधुमक्खी की आंखों में हजारों लेंस लगे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों में गणित के सिंपल सवालों को हल करने की क्षमता होती है। पृथ्वी पर तकरीबन 60,000 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा करती हैं। और सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती हैं। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है, नर नहीं। शहद का रंग फूल पर निर्भर करता है जिससे मक्खी रस लेती है। एक चम्मच शहद के लिए मधुमक्खी को हजारों फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है। एक छत्ते में 20 से 60 हजार मादा मधुमक्खियां, कुछ 100 नर मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मक्खी सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक जिंदा रहती हैं। दूसरे प्रकार की ड्रोन मक्खी होती है। यह मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, बल्कि इनका काम सिर्फ रानी मक्खी को अंडे देने में मदद करना होता है। तीसरे प्रकार की मधुमक्खियां सबसे छोटी मक्खियां होती हैं। इनकी उम्र सिर्फ 40 से 45 दिनों तक होती है। जब यह किसी को डंक मारती हैं, तो मर जाती हैं। स्काउट बीज, सोल्जर बीज, वर्कर बीज, ये मधुमक्खियों के कुछ प्रकार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके काम बदलने के साथ ही इनके दिमाग की संरचना भी बदल जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों का दिमाग समय को मात दे सकता है, यानी इनका दिमाग वक्त के साथ बूढ़ा नहीं होता। मधुमक्खियों के सूंघने की शक्ति इंसान से कहीं ज्यादा होती है। मधुमक्खियां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन इंसान द्वारा खाया जाता है। मधुमक्खी के जीवन में 4 तरह के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और मक्खी। मधुमक्खियां अपने छत्ते को बनाने के लिए प्रोपोलिस नाम का पदार्थ इस्तेमाल करती हैं। यह पदार्थ खांसी, जुकाम, खराब गला, दांत जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती है और इनकी 6 टांगे और 2 पंख होते हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते से दूसरे छत्ते तक एक दूसरे की जानकारियां पहुंचाती हैं। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खियां भी इंसानों की तरह अपनी नाक, कान और पलकें हिला सकती हैं, मतलब हमारी तरह मुंह बनाकर चिढ़ा सकती हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी है। एक छत्ते में मौजूद 60,000 मधुमक्खियां गर्मियों में रोजाना 1,500 अंडे देती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।